लायंस डेन भारत में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने पीआईएल बहुत कर लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सड़क पे आना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इतना साथ दे रहे हैं, इन वीडियोस को लगातार बढ़ा रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि यूट्यूब को भी उसी तरीके से आप प्रमोट करिए। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और 8 अगस्त को आप भी आइए और कम से कम 5 लोगों को लेकर आइए। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं घटिया कानूनों को जलाने के बारे में, अंग्रेजी कानूनों को जलाने के बारे में। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद अंग्रेज चले भी गए, लेकिन अंग्रेजी कानून यही छोड़ गए। आज भी भारत में 1860 में बनाया हुआ इंडियन पिनल कोड चल रहा है, आज भी 1861 में बनाया हुआ पुलिस एक्ट चल रहा है, 1863 का बनाया हुआ वो कानून चल रहा है जिसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत के मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया था। जो गवाहों के बयान होते हैं, उसका जो कानून 1872 में बना था, 1872 एविडेंस एक्ट कहते हैं, आज भी चल रहा है। और इन्हीं घटिया अंग्रेजी कानूनों का परिणाम है कि न नक्सलवाद कम हो रहा है, न माओवाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद कम हो रहा है, न मजहबी उन्माद कम हो रहा है। इन्हीं घटिया कानूनों का नतीजा है कि जिसको जेल में होना चाहिए वो विधानसभा में बैठा हुआ है। इन्हीं घटिया अंग्रेजी कानूनों का नतीजा है कि जिसको जेल में होना चाहिए वो संसद में बैठा हुआ है। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आगामी 8 अगस्त को हम सब लोग मिलकर अंग्रेजी कानून जलाएंगे। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए भारत के लोगों को कानूनन जकड़ने के लिए, भारत के लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, भारत के लोगों को जेल में ठूसने के लिए दो कानून बने थे, 1860 में इंडियन पिनल कोड और 1861 में पुलिस एक्ट, वो आज भी चल रहा है। ये अंग्रेजी कानून घटिया है, इसीलिए बंगाल में हत्या होती रही, बलात्कार होता रहा, घर जलाए जाते रहे, बम फेंका जाता रहा लोगों के घर पे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। यह घटिया अंग्रेजी कानून का ही परिणाम है कि कश्मीर में अलगाववादी खुलेआम लाउडस्पीकर से आवाज देके कह रहे थे कश्मीर छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, और हिंदुओं को वहां छोड़ना पड़ा, लेकिन पुलिस चुपचाप देखती रही। नहीं तो पुलिस ने गोली अगर चलाया होता तो क्या पलायन होता? अगर पुलिस, जिसके पास बंदूक भी होती है, डंडा भी होता है, पूरी बटालियन होती है, अगर कश्मीर में जब अलगाववादियों ने माइक से धमकी देना शुरू किया कश्मीर छोड़ के जाओ, उन अलगाववादियों को पकड़ के जेल में ठूस दिया होता तो कश्मीर से पलायन होता क्या? और पलायन होने के बावजूद जिन लोगों ने कश्मीर को खाली करवाया था, जिन लोगों ने पलायन करने के लिए मजबूर किया था, आज भी वो आराम से घूम रहे, आराम से वो हिंदुओं के बगीचे पे कब्जा करके बैठे हुए, हिंदुओं के घरों में रह रहे, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये घटिया कानून चल रहा है। जब बंगाल में एक के बाद एक हत्याएं शुरू हो गई, एक के बाद एक घर जलने लग गए, अगर पुलिस ने गोली चलाया होता, पुलिस ने हवाई फायरिंग किया होता तो क्या इतना पलायन करना पड़ता वहां से? लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये घटिया कानून चल रहा है। गमले में गोभी उगाने वाला आज भी बाहर घूम रहा है। आप जानते हैं कौन सा है वो पूर्व मंत्री, गृह मंत्री रह चुका है वो व्यक्ति, वित्त मंत्री रह चुका है, जिसने करोड़ों रुपए की गोभी गमले में उगा दिया, आज भी बाहर घूम रहा है। 70,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले भी बाहर घूम रहे, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे, वो यादव सिंह घूम रहा है जो 12,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो इस देश में भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया अंग्रेजी कानून।
और कानून केवल इसलिए नहीं बदला जा रहा है कि अगर ये कानून बदल जाएगा तो मुकदमों का फैसला जल्दी होगा, और जब मुकदमों का फैसला जल्दी होगा तो आम जनता को तो बड़ा आराम मिलेगा, आम जनता को तो बहुत अच्छा लगेगा उसके मुकदमे का फैसला जल्दी हो रहा है, लेकिन नेताओं के मुकदमों का भी जल्दी फैसला होगा, नेताओं को भी सजा होगी, इसीलिए इन कानूनों को नहीं बदला जा रहा है। आम जनता परेशान होती रहे, वो तारीख पे तारीख पे तारीख अदालत का चक्कर लगाता रहे, वो मंजूर है, लेकिन एक भी नेता पकड़ा न जाए, एक भी नेता को सजा न होने पाए, इसलिए कानून चलते जा रहे हैं। और कानून भी आप जरा देखो कैसा घटिया है। सुखराम का मुकदमा खत्म नहीं हुआ उसके पहले वो खुद ही खत्म हो गए, नरसिम्हा राव का मुकदमा खत्म नहीं हुआ उसके पहले वो खुद ही खत्म हुए। तो हमारे देश में ये घटिया कानूनों के कारण मुकदमे 40 साल 50 साल चलते हैं। सरकारों को पता है अमेरिका में कैसे कानून है, फ्रांस में कैसे कानून है, सिंगापुर में कैसे कानून, लेकिन उनको लेते नहीं है। अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए देके दुनिया भर की चीजें खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका का कानून नहीं लेते मुफ्त में। क्यों? क्योंकि अगर कानून ले लेंगे तो ये जो सफेदपोश नेताओं की नौकरशाहों की लूट चल रही है, जो लूट तंत्र बना हुआ है यहां पे, वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर यहां पे हम अंग्रेजी कानूनों को बदल देंगे तो लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, अंग्रेजी कानूनों को बदल देंगे तो लोगों को सरकारी विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जब चक्कर नहीं लगाएंगे तो घूस कहां से आएगी। तो अगर अंग्रेजी कानून बदलेंगे तो घूसखोरी कम होगी, अंग्रेजी कानून बदलेंगे कठोर कानून बनाएंगे जमाखोरी कम होगी, इस घटिया कानून को बदल के अच्छा कानून बना देंगे मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी कम होगी, मुनाफाखोरी कम होगी। अगर ये घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदल के नया कानून बनाएंगे, बढ़िया कानून बनाएंगे, तो नशा तस्करी कम होगी, मानव तस्करी कम होगी। तो ये जितने भी घूसखोरी जमाखोरी मिलावटखोरी कालाबाजारी नशा तस्करी मानव तस्करी कम होगी तो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कम हो जाएगा, नेताओं को जो पैसा मिलता है चंदे में वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली लूट तंत्र बना रहे, इसलिए ये कानून बने हुए हैं। ये कानून खत्म होंगे लूट तंत्र खत्म होगा, ये कानून खत्म होंगे भीड़ तंत्र खत्म होगा। ये घटिया कानून का नतीजा है। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, आज तक वो बाहर नहीं बैठा हुआ बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। ये घटिया कानून का नतीजा है। जब उसने धमकी दिया था कि 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से, अगर उसको सजा हो गई होती 10-20 साल की तो किसी और की हिम्मत पड़ती क्या कुछ कहने की, लेकिन उसके बाद लोग बोलते चले जा रहे हैं। तो ये जो वर्तमान कानून है ये अपराध को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि अपराधियों को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो वर्तमान कानून है ये तो कह रहे हैं तुम जितने बड़े अपराधी बन जाओगे उतने जल्दी संसद में पहुंच जाओगे, जितने बड़े अपराधी बन जाओगे उतने जल्दी विधानसभा में पहुंच जाओगे, जितना ज्यादा गलत काम करोगे जितना ज्यादा गलत पैसा इकट्ठा कर लोगे उससे तुम्हारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। तुम लूटो तस्करी करो मानव तस्करी करो ड्रग स्मगलिंग करो कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कानून सीधे सीधे प्रमोट कर रहा है अपराध को। साथियों इसीलिए हमने तय किया है कि 8 अगस्त को इन घटिया कानूनों को जलाएंगे और सरकार को स्पष्ट संदेश देंगे कि आप नया कानून बनाइए, अमेरिका फ्रांस चाइना के कानूनों का अध्ययन करिए, सिंगापुर के कानून को पढ़िए और वहां के अच्छे अच्छे कानून ले आइए। अगर हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना सकते अग्नि ब्रह्मोस तो हमारे सांसद हमारी सरकारें दुनिया का सबसे कठोर का अच्छा कानून क्यों नहीं बना सकती। हमारे वैज्ञानिक 104 सैटेलाइट एक साथ भेज सकते हैं अगर चंद्रमा पे तो हमारे सांसद हमारी सरकारें बढ़िया कानून क्यों नहीं बना सकती। हमारे वैज्ञानिक अगर 7 महीने के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती कोरोना की वैक्सीन बना सकते हैं और हमारे सांसद विधायक 70 साल में भी कानून नहीं बदल पा रहे, इसका मतलब इच्छा शक्ति का अभाव है। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, 1000 के आसपास रिटायर्ड जज घर में बैठे हुए, हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस घर में बैठे हुए, हजारों की संख्या में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। सरकार अगर चाहे तो मात्र 6 महीने के अंदर सारे के सारे अंग्रेजी कानूनों को बदला जा सकता है, मात्र 6 महीने के अंदर। और अब तो 74 साल बीत गए आजाद हुए, 47 में आजाद हुए तो 2021 हो गया भाई। इसका एक ही तरीका है, अधिक से अधिक संख्या में हमें आपको आना पड़ेगा
जंतर मंतर। किसानों ने अगर दिल्ली को घेरा हुआ, आखिर उनसे बात हो रही है ना, सरकार बार बार कह रही है हम बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे, उनकी मांग वाजिब है या गैर वाजिब है वो भी अलग विषय है, लेकिन अगर किसानों ने दिल्ली को घेरा हुआ है तो सरकार बात तो कर रही है। ये घटिया अंग्रेजी कानूनों के बदलने कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर हम भी किसानों के तरीके जंतर मंतर पूरा भर दें तो सरकार हमसे भी बात करेगी, सरकार हमसे भी चर्चा करेगी, यहां भाई ठीक है बताओ क्या करना है, इन कानूनों को कैसे बदलना है, बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो, तब बात होगी। एक बात तय मान लीजिए, भारत को और भारतीय संस्कृति को जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार से है, कालाधन से है, हवाला से है, और जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक न कालाधन खत्म होगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न हवाला कम होगा। इसलिए सबसे मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप शेयर करिए, और अपने साथ 5 लोगों को लेके, कम से कम 5 लोगों को लेके 8 अगस्त को जंतर मंतर जरूर आइएगा। अपने अपने घर से माचिस लेके आइएगा, हो सके तो एक कानून की कॉपी भी ले आइए, कानून की कॉपी आप नहीं ले आ पाओगे तो हम यहां उपलब्ध करा देंगे, लेकिन 8 अगस्त को हम सब लोग अपने अपने हाथ से एक एक अंग्रेजी कानून जलाएंगे और पूरी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश देंगे, अब हमें अंग्रेजी कानून नहीं चाहिए, यह अंग्रेजों का कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, यह भारत के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, भारत में अपराध करने के लिए कानून नहीं बनाया गया था, भारत में अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया था। अगर यह कानून अच्छा होता तो किसी एक अंग्रेज को सजा तो होती, कम से कम किसी को नहीं हुई, जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड कराया उनको सजा होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई, जिन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीटा था उनको सजा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं यही समय है। और एक बात और, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो अगर आपकी दवा घटिया है तो इलाज नहीं हो सकता, बीमारी ठीक नहीं होगी। सर्जन कितना ही अच्छा हो लेकिन जो उसके सर्जरी के इक्विपमेंट हैं जिससे वो सर्जरी करता है अगर वही घटिया होगी तो सर्जरी अच्छी नहीं होगी। फिजिशियन कितना ही बढ़िया हो अगर दवाई घटिया होगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, वो देश बदलना चाहते हैं, लेकिन नक्सलवाद माओवाद कट्टरवाद ये कम नहीं हो रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा है, उसका मूल कारण है दवा घटिया है, कानून घटिया है, और ये कानून तभी अच्छा बनेगा जब हम पहले जो पुराना कानून है वो गिराएंगे। अयोध्या का जो ढांचा गिर गया इसलिए बढ़िया मंदिर बन रहा है, अयोध्या का अगर ढांचा आज होता तो भव्य मंदिर नहीं बन पाता। वैसे ही जब तक अंग्रेजी कानून हम खत्म नहीं करेंगे, इसको जलाएंगे नहीं, तब तक बढ़िया कानून नहीं बनेगा, और बढ़िया कानून नहीं बनेगा तो नया भारत भी नहीं बन पाएगा।